नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए उन्हें वो हाजिर हुई। उनकी पेशी पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस की रणनीति यही रही है कि जन मुद्दों से ज्यादा वो अपने नेताओं को बचाने पर आंदोलन करती है। अभी हम बात कर ले, हालिया में जब ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया था तो भी काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश भर में जमकर प्रदर्शन किया। देखिए, ये बड़ी बात है कि जब भी राहुल गांधी भी जाते हैं ईडी कार्यालय तो कांग्रेस कार्यकर्ता नेता जमकर प्रदर्शन करते हैं, और अब सोनिया गांधी जा रही हैं तो भी प्रदर्शन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। देखिए क्या है वो तो ईडी की जाँच में सामने आएगा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अपनी जिस तरीके की नीति कांग्रेस अपना रही है कि ईडी कार्यालय पहुंचने पर हंगामा कर रही है, अगर कांग्रेस के कमीज साफ है तो कांग्रेस डर क्यों रही है? कांग्रेस क्यों इस तरीके से लगातार आंदोलन प्रदर्शन मामूली सी ईडी के जवाब देने के लिए जा रही है तो करवा रही है? देखिए, ये काफी बड़ा एक सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस इस तरीके के हटकंडे क्यों अपना रही है। देखिए, अगर बात करें कि ईडी की, तो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भाजपा के लोगों को भी ईडी में घंटों घंटों बुलाया जाता था, लेकिन उस समय में इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिलती थी, इस तरीके के प्रदर्शन नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन अब देखने को मिल रहे हैं। और अब जब कांग्रेस पे शिकंजा कसा है तो लगातार कांग्रेस ईडी का विरोध कर रही है कि सरकारी संस्थाओं का समर्थन लेकर के सरकार डराने का काम कर रही है। देखिए, सोनिया गांधी जेड प्लस सिक्योरिटी में ईडी दफ्तर पहुंची, यानी उनको सिक्योरिटी भी अच्छी खासी मिली थी। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उनके साथ मौजूद थे। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है ईडी। गुरुवार को सोनिया गांधी से 2 घंटे पूछताछ चली, उन्हें शुक्रवार को दोबारा बुलाया गया है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कंपनी से जुड़े कई अन्य कांग्रेस नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। मामले में राहुल गांधी से ईडी ने जून में पूछताछ की थी। इस बीच लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सोनिया गांधी से ईडी किन सवालों के जवाब जानना चाहता। आइए आपको हम समझाते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं कि ईडी जो है जांच एजेंसी, वो सोनिया गांधी से किन किन सवालों के जवाब चाहते हैं या क्या क्या सवाल के जवाबों की उनसे उम्मीद रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है कि सबसे पहले आपको हम पूरा मामला समझाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या सवालों के जवाब सोनिया गांधी से चाहती है ईडी यानी कि जांच एजेंसी। देखिए, पूरा मामला नेशनल हेराल्ड अखबार मामले से जुड़ा है। ये कांग्रेस का एक अपना अखबार है, उसके मामले से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इसकी नींव रखी थी। नेशनल हेराल्ड जो अखबार है इसकी नींव रखी थी। अखबार में मुख्य तौर पर नेहरू के लेख छपते थे। इस अखबार में ब्रिटेनी सरकार यानी कि ब्रिटेन की सरकार इतनी भयभीत हो गई थी इस अखबार से कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जी हाँ, एक बार इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अखबार का मालिकाना अधिकार एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि AJL के पास था। कंपनी 2 और अखबार छापा करती थी, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। 1956 में AJL को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया था। इसी के साथ इसे कंपनी एक्ट की धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया था, यानी इस पर कोई भी कर नहीं लगेगा। धीरे धीरे कंपनी घाटे में चली गई, कंपनी पर 90 करोड़ का लोन भी चढ़ गया। इस बीच साल 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक दूसरी कंपनी बनाई गई। इसमें 38% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम के थे, बाकी की हिस्सेदारी मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यानी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ द एसोसिएट जर्नल ने सारे शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिए। इसके बदले में यंग इंडिया ने महज 50 लाख रुपए AJL को दी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि यंग इंडिया प्राइवेट ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला जो नियमों के खिलाफ है।
बता दें कि सोनिया गांधी से जो ईडी सवाल कर रही है वो क्या है। सबसे पहला सवाल है कि ईडी के इस पूरे मामले में जो है जांच एजेंसी जो है सोनिया गांधी से पूछ सकती है कि सोनिया गांधी ने यंग इंडिया प्राइवेट में 38% यानी 38% शेयर क्यों लिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। ईडी सोनिया गांधी से पूछ सकती है कि आखिर उन्होंने यंग इंडिया कंपनी में 38% शेयर क्यों लिए। और दूसरा सवाल जो ईडी पूछ सकती है कि एजेएल की रिपोर्ट के संदर्भ लोन का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। जो एजेएल के द्वारा रिपोर्ट जो पेश की गई थी उसमें लोन का जिक्र नहीं किया गया। और यंग इंडिया की ओर से एजेएल को अनसिक्योर्ड लोन देने की क्या वजह थी। जो एजेएल ने जो अनसिक्योर्ड लोन दिया था यंग इंडिया को उसके पीछे की क्या वजह है। तो इसी तरीके के सवाल। और एक सवाल आता है कि जब एजेएल का अधिग्रहण हुआ तो क्या उससे पहले नियमों के अनुसार शेयर धारकों की बैठक हुई थी। हाँ, तो ये भी सवाल। उन्होंने कहा कि जब अधिग्रहण हुआ तो शेयर जो होल्डर हैं जो शेयर उस कंपनी में रख रहे थे उसकी बैठक हुई थी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार 29 दिसंबर 2010 तक एजेएल के शेयर धारकों की संख्या 1057। एजेएल ने रकम कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाई, उस पर कितने करोड़ की देनदारी थी। यंग इंडिया ने एजेएल को शेयर पेमेंट कैसे किया, इसका क्या तरीका था। सोनिया गांधी से पूछा जा सकता है कि यंग इंडिया प्राइवेट की डायरेक्टर क्यों बनी, वो डायरेक्टर बनने वाली आखिर शख्स क्यों बनी। अगर यंग इंडिया एक धर्मार्थ संगठन है तो इसका डोनेशन में योगदान क्यों नहीं है। ईडी ये भी सवाल कर कि अगर यंग इंडिया एक धर्मार्थ यानी आप बता रहे हैं कि धर्म से जुड़ा संगठन है तो उसका डोनेशन में योगदान क्यों नहीं है, उसका असल काम क्या है। और डोनेशन में जब योगदान नहीं है तो उसका असल काम क्या है। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को जो बाकी के शेयर ट्रांसफर हुए उसके पीछे क्या कारण था। तो इसी तरीके के सवाल ईडी लगातार सोनिया गांधी से पूछ रही है और सोनिया गांधी को उलझाते चली जा रही है। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 21 जुलाई यानी कि आज ईडी दफ्तर बुलाया गया था। काफी हंगामा हुआ और ईडी ने कई सारे सवाल भी पूछे सोनिया गांधी पे। मुख्यतः सवाल पर सोनिया गांधी चुप्पी साधती हुई नजर आई। अब ईडी ने दोबारा कल शुक्रवार को सोनिया गांधी को बुलाया। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए अगर आपने नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अगर जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर।